नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बेसिक प्रोग्राम बहुत सारे बता दिए, जिसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट स्वैपिंग नंबर का भी प्रोग्राम करा दिया, परसेंटेज का भी करा दिया, और भी ऐसे बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम को देख लिए हैं। तो अभी तक हम लोग जितना भी कंप्लीट पैकेज देखे, जितना भी हम लोग बेसिक टॉपिक को पढ़े, वो सारा का सारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। वो हमारा जो चैप्टर होता है डियर, ये हमारा पूरा का पूरा ये हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन। आप जितने भी प्रोग्राम थे बेसिक, उसको हमने कंप्लीट करने के बाद आज मैं आपको बताऊंगा, हमारी जो बात होगी वो होगी लूपिंग स्टेटमेंट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लूप को होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, लूप के बारे में आज पढ़ेंगे। लूप क्या होता है, लूप किसे कहते हैं, कितने टाइप के लूप होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा, उस कॉन्सेप्ट का नाम होगा लूप स्टेटमेंट। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट का नाम होगा, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, और कंडीशन देने के लिए हम लोग यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो लूप्स क्या होता है, चलिए हम लोग लूप्स की बात कर लें। लूप्स किसे कहते हैं, ओके। तो लूप्स की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं। चलिए, ये लूप्स क्या है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग डिफाइन करते हैं लूप क्या है, लूप किसे कहते हैं, कितने प्रकार का लूप होता है। देखो यार, सी लैंग्वेज में जब हम लोग किसी प्रोग्राम को बनाते हैं, बेसिकली हमारा जो बेसिक प्रोग्राम होते हैं उसमें हम बिना लूप के भी प्रोग्राम को बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें कंडीशन देना होता है, तो कंडीशन को जब भी देते हैं वो हमारा लूप क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है। देखिए, कंडीशन के अंतर्गत बहुत सारी कंडीशन आती हैं, जैसे इफ़ कंडीशन आती है, इफ एल्स आती है, इलिफ आती है, ये बहुत सारे आपके कंडीशन होते हैं। सारे कंडीशन आपको अभी हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम जब मिले, नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम मिले, तो यहाँ पे हमको लूप को डिफाइन करना पड़ेगा। देखो यार, लूप का जो यूज होता है, ये क्या करता है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्या करता है, क्लियर करता है। और लूप स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें तो बेसिकली हमारे सी लैंग्वेज में जो लूप का टाइप होता है वो तीन टाइप का लूप होता है। कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का लूप होता है, ध्यान रखिएगा। जिसमें मैं आपको बताऊंगा, एक हमारा कंट्रोल लूप होता है। ठीक है, एक हमारा क्या होता है, एग्जिस्ट लूप होता है। ठीक है, अगर हम डेयर बात करें तो लूप हमारा जो टाइप्स है, तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स की अगर बात कर लें तो बेसिकली इसका जो टाइप्स है वो कितने टाइप्स का है, तो कह सकते हैं there are three types of loop. Three types of loop. ठीक है, ये बेसिकली कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, ये देख लेते हैं। पहला फॉर लूप, ठीक है, दूसरा व्हाइल लूप, फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, और तीसरा होता है डू व्हाइल लूप। ठीक है, बेसिकली यही तीन लूप होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही दो लूप यूज होता है आप किसी लैंग्वेज में, जिसका नाम होता है फॉर लूप और व्हाइल लूप। देखिए, और लूप कोई भी हो, ये कंडीशन को चेक करने के लिए यहाँ पे वर्क करेगा। जैसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, लूप का प्रोग्राम जब देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम आता है, कंडीशन को देना फिर चेक करना। ठीक है, तो आपको हम सबसे पहले एक फॉर लूप से एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहेंगे, ताकि आप लोगों को बातें हमारी समझ में आ जाएं। अगर सपोज दैट, मान लीजिए हमें अगर 1 से लेकर 10 नंबर तक की गिनती यानी काउंटिंग नंबर, ठीक है, को प्रिंट करना हो, तो कैसे करेंगे, फॉर लूप की सहायता से, आइए देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपसे हम कह दें राइट ए प्रोग्राम to generate number between between वन टू टेन, ठीक है, 1 से 10 नंबर यानी 1 to 10 नंबर को जनरेट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर लूप की सहायता से हम लोग देखेंगे, फिर और भी सारे लूप हम यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो सारे लूप का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा यही प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम का नाम होता है राइट ए प्रोग्राम जनरेट नंबर बिटवीन 1 से 10, ठीक है। तो इसका कोडिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, फॉर लूप का यूज करते हुए हैज़ इंक्लूड studio.h has include conio.h wide main curly bracket ओपन हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जैसे हमने करली ब्रैकेट को ओपन किया, इंटीजर हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया आई, क्या हमने डिफाइन कर लिया, इंटीजर आई को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब ये करेगा क्या, देख लो जरा, अब करेगा क्या, फॉर लूप हमको यहाँ पे देना है, कंडीशन को चेक करना है। फॉर लूप पे हम क्या लगाएंगे, आई का मान क्या रख दें, 1 रख दें, आई इजक्वल टू 1, आई इजक्वल टू 1, आई इज लेस देन आर इक्वल टू, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10 ना। आई का मान कहाँ तक जाएगा, 10 के बराबर ना, 10 से छोटा या बराबर आपका आई का मान होना चाहिए। और आई को हमने प्लस प्लस कर दिया, हमने आई को क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, ओके, आई प्लस प्लस हो गया, यानी आई का मान क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ओके। कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, प्रिंट एफ। अब प्रिंटफ में देना क्या है, प्रिंटफ में जैसे यहाँ पे हम देंगे %d के साथ आई को प्रिंट करा दो। किसको प्रिंट कराना है, आई को प्रिंट हमने करा दिया, चलिए आई हमारा प्रिंट हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन है, क्लोज कर दो, गेट ch, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट था। जब आउटपुट हमें मिलेगा तो कैसे मिलेगा देख लेते हैं। अगर हम लोग आउटपुट की बात कर लें, ठीक है, और यहीं पे अगर हम /n लगा देते हैं, /n लगा देंगे तो न्यू लाइन में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही नंबर हमारे प्रिंट हो जाएंगे। अगर हमको 1 से 20 तक करना है तो यहाँ पे i का मान 1 रख दीजिएगा, 10 की जगह 20 कर दीजिएगा, 1 से 20 नंबर प्रिंट करा देंगे, ओके। तो बहुत आसान है फॉर लूप का इस्तेमाल करके किसी भी नंबर को प्रिंट कराना, किसी भी अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराना, किसी भी नाम को प्रिंट कराना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा प्रोग्राम आज कंप्लीट हुआ और आज हमने स्टेटमेंट्स में फॉर लूप का यूज करते हुए सारे स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लिया। तो डियर, आज के लिए इतना है, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट डे जब मिलेंगे तो सारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और वहाँ पर हम लोग फॉर लूप, वाइल लूप, सारे लूप्स का यूज देखेंगे, ओके।